8 मई के सूर्यदान में आपका स्वागत है। अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भवा, किसी के अंदर अच्छाई देखी और आपने वाह वाह करी और अपने आप को अपने नीच समझा, कमज़ोर समझा, कम समझा, तो परमात्मा कहते ये नहीं। अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करो, वो अच्छाई को अपने जीवन में प्रैक्टिस करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, करने वाले परमात्मा स्नेही भावा। अगर परमात्मा स्नेही बनना है, मतलब परमात्मा हमसे प्यार करे, तो बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छा या अच्छी है किसी आत्मा को देख करके, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता है तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से, राइट? लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? स्वयं परमात्मा पिता। तो अट्रैक्शन किससे होना चाहिए? परमात्मा से। कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, किसी के अंदर अच्छाई देखते हो अगर आप, तो आप उसको धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ कि आप बाबा को भूल जाओ और उस आत्मा के वाह वाह करना शुरू कर दो। नहीं, न्यारे और बाप के प्यारे बनो। न्यारे अच्छाइयाँ देखो, बढ़िया है, अपने अंदर चेक करो वो अच्छाई है कि नहीं है, और फिर न्यारे बन जाओ और बाप से प्यारे बन जाओ। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति।